क्रिश्चियन हो और आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाए, आपकी प्रार्थना 40 साल कबूल नहीं हो सकती जब तक आप टाइदर नहीं है, क्योंकि एक ढांचा है। आप जब ढांचे के अंदर आते हैं, एक स्ट्रक्चर बना दिया परमेश्वर ने कि अगर तुम मुझे ना लूटे और अपनी कमाई से, अपने दशवान से तुम मेरी महिमा करे, तो मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा कि तुम्हारे रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। हालेलुया। मैं अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, अगर करूंगा तो वो 3-4 लाइनों से लंबी नहीं होगी, 5-7 सेकंड से लंबी नहीं होगी। मैं प्रैक्टिकल करने में विश्वास करता हूं जो परमेश्वर ने मुझे उस काम के लिए बोला। आमीन। और जैसे ही आप उस ढांचे के अंदर जाते हैं, आपको मालूम है अपनी हीलिंग के लिए मुझे ये करना है, सबसे पहले मुझे उस ढांचे से प्यार करना है, परमेश्वर से लव करना है, उसके बाद अंदर जाना है, उसके बाद हर एक चीज के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। मुझे इंपार्टेशन चाहिए, मुझे अधीनगी करनी, मुझे फाइनेंस में बढ़ना है, तो परमेश्वर ने मिनिस्ट्रीज ठहराई, काम ठहराए, जहां आप काम करते हैं, परमेश्वर का बोते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं। आपको हीलिंग चाहिए, आप हीलिंग मिनिस्ट्री में जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कन्फेस करते हैं, प्रेयर होते हैं, आप हील होते हैं। हर एक चीज के लिए एक ढांचा बनाया परमेश्वर ने। आप इमेजिन करो, अगर वो अंधा उस रोड पे ना होता, कहीं और होता, तो यीशु मसीह उसे कभी भी चंगा ना करते। और आपने कभी यीशु मसीह को ऐसे चलते नहीं देखा होगा कि यीशु मसीह जा रहे और अंधा बैठा है। आप जानते हैं यीशु मसीह ऐसे बीमारों को चंगा नहीं करते जैसे आप सोचते हैं। अगर कोई अंधा बैठा है तो वो बैठा है, यीशु मसीह से चंगा नहीं कर रहे जब तक उस अंधे ने आके डिमांड नहीं की कि परमेश्वर मुझे छुओ, मैं चंगा होना चाहता हूं। यीशु मसीह ने फिर क्वेश्चन किए, क्या तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? हाँ, मैं विश्वास करता हूं। ऐसे हीलिंग होती थी, डिमांड करने से, उस ढांचे के अंदर जाने से, जो चीज मुझे चाहिए उस पर डिमांड करने से। आमीन। आपको अगर कपड़े चाहिए तो मॉल के अंदर एंट्री करने से कपड़े नहीं मिलते, फिर कपड़े की शॉप ढूंढनी पड़ती, वहां जाना पड़ता है, रेट करना पड़ता है, फिर आप लेते हो। हाँ या ना? अगर ज्वेलरी चाहिए तो कपड़े की दुकान पे नहीं मिलती, आपको उसी शॉप पे जाना पड़ता है। हाँ या ना? और जैसे ही आप इस ढांचे में प्रवेश करते हो, आप देखते हो कि मुझे इस जीवन में रहने के लिए और टेस्टिमनी देने के लिए, परमेश्वर में खड़े रहने के लिए क्या चाहिए, और आप उस चीज पे काम करना शुरू करते हो। आप इमेजिन करो, जैसे ही मैं अफ्रीका में जाता था अपने फादर के पास, मैं वापस आके लोगों को बोलता था, अब देखना कैसे काम होते हैं, ऐसे क्यों, अब देखना कैसे चर्च बढ़ती, ऐसे क्यों? क्योंकि मुझे पता होता था कि मैं एक बीज बो के आया हूं जो मुझे फल देने वाला है। पत्रस कहता, हम प्रार्थना कर रहे थे योएल नबी की पुस्तक से कि अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। कहता उस वचन में से हम प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला। वो इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल है। आमीन। अगर आप स्पिरिचुअल और इमोशनल होके मांगेंगे प्रभु मुझे चंगा कर, और ये नहीं बताएंगे बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आप अपना केस फाइट करेंगे, अपने केस के लिए लड़ेंगे, उस ढांचे के अंदर सब कुछ मौजूद है जो आपको चाहिए, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। वो अनमैनेजेबल, अनमैनेज परमेश्वर नहीं, वो एक मैनेज परमेश्वर है। उसने एक ढांचा बनाया और वो ढांचे से वो बाहर नहीं आता। आपके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया, उससे वो बाहर आके काम नहीं करता। अगर आपको अमेरिका की सहूलतें चाहिए तो ग्रीन कार्ड किसका चलेगा, के इंग्लैंड का चलेगा? हाँ, अगर इंग्लैंड की सहूलत चाहिए ग्रीन कार्ड किसका चलेगा? अगर इंडिया में रहना है तो आधार कार्ड किसका चलेगा? इंडिया का चलेगा। इंडिया के आधार कार्ड से नेपाल में चले जाओगे, आशीष मिलेगी? वहां के लोग आपको मानेंगे, गैस कनेक्शन देंगे? नहीं, क्योंकि एक ढांचा बना, परमेश्वर ने एक ढांचा बनाया। आप जानते हैं वो ढांचा इतना जबरदस्त और खतरनाक है और इतना आशीषित है, अगर आप वो ढांचे को समझ जाएं, आप सफर नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। आप जानते हैं जब मरियम और हारून ने मूसा का विरोध किया, वो विरोध सही था, पर परमेश्वर ने मूसा को कुछ नहीं बोला और मरियम को कोड़ी कर दिया। हाँ या ना? क्यों? आप जानते हैं शैतान क्यों गिरा? क्योंकि वो परमेश्वर को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था परमेश्वर को कि मैं तुझसे ज्यादा अच्छा सोच सकता हूं। आप जानते हैं आज भी कुछ लोग ऐसा पाप करते हैं जब वो अपने फादर को करेक्ट करने चले जाते हैं और परमेश्वर की निगाह में पापी हो जाते हैं। क्योंकि आप में और आपके स्पिरिचुअल फादर में हमेशा कौन सही है? आपका स्पिरिचुअल फादर।
और आपके स्पिरिचुअल फादर और परमेश्वर में हमेशा कौन सही है? परमेश्वर। ये ढांचा है, इस ढांचे को अगर आप तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे आप ही फंसेंगे, आपका फादर नहीं फंसेगा, वो उसी पोजीशन पे आपको मिलेगा आनंदित और अपने कामों में बिजी। हालेलुया। आप जानते हैं अपने अथॉरिटी को करेक्ट करना शैतानी पाप है, एक रिबिलियन मतलब विरोधता का पाप। आप जानते हैं व्यभिचार के पाप से भी बड़ा पाप है विरोधता का पाप। पहला पाप जो दुनिया में आया आदम और हवा से पहले वो विरोधता का पाप था, विरोध का पाप। और आज भी अगर शैतान ने किसी बंदे पे अटैक करना हो वो इस पाप से नीचे लेके लोगों को जाना चाहता है। इसीलिए अगर आप मुझे अपने पास बिठा के डिस्कशन करेंगे कि फलाने बंदे ने रेप कर दिया या फलाने बंदे ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, मैं अपने मुंह को सी के रखूंगा क्योंकि मुझे उन कामों से कोई मतलब नहीं। नेवर। मैं अपने दुश्मन का भी विरोध नहीं करता कभी, जिसने मेरे खिलाफ बोला उसका भी विरोध, मुझे पता है विरोध करना शैतान की ओर से। और जब एक आदमी अपनी अथॉरिटी को करेक्ट करना चाहते हैं वो पूरा 100% प्योर डेविलिश है। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि क्या है, परमेश्वर ने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनाया, एक बिल्डिंग बनाई। आपको उसके अंदर जाके अपने आप को खोजना है, जो आपको चाहिए उस हिसाब से आपको चलना है, अपने सल्वेशन का ध्यान रखते हुए कि मुझे ये चाहिए तो सब कुछ है लेकिन सबसे अधिक जो मुझे चीज चाहिए वो मेरी मुक्ति है। मुक्ति में बने रहना, सल्वेशन में बने रहना, आशीष आए ना आए वो मेरा परमेश्वर है, चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, आजाद करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया।